नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिस महातिर मोहम्मद के नाम पर इंसा अल्लाह बोलकर तैमंद उछाले थे, अब वही तैमंद इमरान के गले में फंदा बनकर फंस गए हैं। मलेशिया ने बाकायदा बेइज्जती का एक फरमान पाकिस्तान के नाम जारी कर दिया है। इस फरमान में जहां पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, वहीं मलेशिया में पाकिस्तान की साख कौड़ियों में पहुंच गई है। हालत यह है कि मलेशिया ने पाकिस्तान को डिफॉल्टर मुल्क की लिस्ट में डालने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद इमरान सरकार में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। मलेशिया की मोहिउद्दीन यासीन सरकार ने पाकिस्तान को 6 करोड़ 20 लाख डॉलर का बिल आठवीं बार भेजा है। साथ ही कहा है कि अगर इस बार यह भुगतान नहीं किया गया तो वह पाकिस्तान को डिफॉल्टर मुल्क की लिस्ट में डाल देंगे। इसके बाद पाकिस्तान को मलेशिया से 1 रुपए का सामान भी उधार नहीं मिल सकेगा। दरअसल महातिर मोहम्मद की भारत विरोधी मानसिकता को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल का आयात सीमित कर दिया था। महातिर पाकिस्तान के पाले में नाच रहे थे और कश्मीर मुद्दे पर ओली की तरह सारी सीमाएं लांघ चुके थे। भारत हर साल 44 लाख टन पाम तेल मलेशिया से आयात करता था। भारत ने इस आयात को रोका तो मलेशिया पूरी तरह घुटनों पर आ गया। मातिर भारत के आगे गुहार लगाते रहे, पर वे मलेशियाई पाम इंडस्ट्री को बर्बाद होने से नहीं बचा सके। इसी दौरान फरवरी 2020 के पहले हफ्ते में इमरान ने मलेशिया का दौरा किया। इमरान ने कश्मीर मुद्दे पर मातिर के समर्थन का कर चुकाने के लिए ज्यादा पाम तेल खरीदने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान हर साल करीब 10 लाख टन पाम ऑयल खरीदता है, मगर इमरान खान ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से 1,46,000 टन पाम ऑयल ज्यादा खरीदा। पर इसी बीच फरवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में महातिर मोहम्मद को पीएम पद से उतार दिया गया और वह मलेशिया की राजनीति में हाशिए पर चले गए। मगर कंगाल पाकिस्तान ने इस दौरान खरीदे गए पाम ऑयल का भुगतान अब तक नहीं किया है। इसमें काफी पेमेंट महातिर मोहम्मद के कार्यकाल के वक्त की है, जो 6 करोड़ 20 लाख डॉलर है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी रकम है, पर मामला केवल यहां तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की बेइज्जती कराने पर तुले इमरान ने जरूरत से ज्यादा पाम तेल खरीद कर जहां मदरसा मुल्क की मुसीबत खुद बढ़ाई, वहीं भारत पर यह आरोप भी जड़ दिया है कि वह मलेशिया को उसके खिलाफ उकसा रहे हैं। दरअसल इमरान खान के इस आरोप के पीछे मोहिउद्दीन यासीन का भारत की तरफ झुकाव माना जा रहा है। यासीन सरकार ने मातृ की गलतियों में सुधार करते हुए भारत से अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। मलेशिया से पाम ऑयल का आयात फिर से पटरी पर आने लगा है। साथ ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर भी मलेशिया भारत के पक्ष में आया है। हालांकि मलेशिया के साथ चीन का दक्षिण चीन सागर में विवाद पुराना है, इसलिए भी इस मुद्दे पर दोनों देश एक ही राय रखते हैं, जबकि पाकिस्तान खुलकर चीन का हिमायती बन गया है। इससे भी पाकिस्तान के प्रति मलेशिया में गुस्सा बढ़ा है। अब अपने पेमेंट को लेकर मलेशिया ने पाकिस्तान पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, पर पाकिस्तान के सामने दिक्कत यह है कि वह इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने में फिलहाल सक्षम नहीं है। वह करंट डिफिशिएंट की समस्या से जूझ रहा है, यानी पाकिस्तान में डॉलर आ कम रहा है, ज्यादा रहा है। इमरान खान दुनिया के कई देशों के आगे भीख के लिए गिड़गिड़ा चुके हैं, मगर उसे कहीं से भी मदद नहीं मिली है। IMF से पाकिस्तान को कर्ज मिलने की उम्मीद है, मगर IMF ने साफ कह दिया है कि बिजली के दाम 14 रुपए प्रति यूनिट करने के बाद ही कर्ज की शेष किस्तों पर विचार किया जाएगा। यानी भूख और गरीबी से फटते तैमंद पर पैबंद लगाने के लिए IMF ने उसी तैमंद को फाड़कर पैबंद बनाने की सलाह दी है। अगर इमरान खान बिजली महंगी करते हैं तो तैमंद के साथ जालीदार टोपियों के लिए भी पैबंद की डिमांड बढ़ सकती है। ऐसे में मलेशिया का कर्ज चुकाने की समस्या और अधिक गहरा गई है। मातिर होते तो दो बार इंशाल्लाह बोलकर और चूमा चाटी करके काम चल जाता, मगर मोहिउद्दीन यासीन प्रशासनिक कामकाज में बेहद सख्त स्वभाव के माने जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान को उनसे रहम की उम्मीद न के बराबर है। वैसे भी इस मदरसा पैदा इसके बारे में यही कहा जाता है कि एशिया में इनके वजूद के पीछे भिखारी और उधारी की भूमिका है। अभी तक इंशाल्लाह बोलकर यह टोपीबाज इस्लामिक मुल्कों को चूना लगाते रहे हैं, मगर आज की घड़ी इनके फटे तैमंद रोशनदान बन चुके हैं, जिसमें से इमरान खान जागते हुए रहम की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि मलेशिया ने अपने पेमेंट की पाकिस्तान को क्या डेडलाइन दी है, पर यह 2 माह से ज्यादा होगी इसकी संभावना न के बराबर है। पाकिस्तान वैसे भी अनाज आयात के लिए जुगाड़ भिड़ा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से उसका निर्यात 8% रह गया है, जबकि आयात पहले से 1.5 गुना बढ़ गया है, इसलिए आयात के लिए उसे बड़ी संख्या में डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। इंडस्ट्री बंद होने से उत्पादन लगभग ठप हो चुका है,
एक मंत्री पीआईए को बंद करा चुका है, दूसरा रेल का बिट्टा बिठा गया, तीसरा टिड्डी पकड़ रहा है, और जिस विदेश मंत्रालय को मलेशिया से रिश्ते सुधारने थे वह मास्क लगाए औरतों के बाल काट रहा है। यूं भी यह लोग उस तरह चलाने में खानदानी माने जाते हैं, पर इस बार यह उस तरह खुद इनकी गर्दन पर ही चल गया है, जबकि इमरान लोंडा एल्यूमिनियम का कटोरा बजाते हुए इंशाल्लाह बकता हुआ भीख मांग रहा है। ऐसे में यह भिखारी कौम मलेशिया द्वारा 8वीं बार भेजे गए बिल को चुकता कर सकेंगे, इसकी उम्मीद कम ही लगती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।